अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो। पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो के साथ मैं हूं आर्यन हैदर। इस वक्त हम मौजूद हैं मारगला होटल में। यहां पर रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान का मकसद यही है कि पिछले अरसे से जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स ने जो डाउनफॉल फेस किया या जो डाउनफॉल देखा है उसको समझने के लिए, उसके सॉल्यूशंस के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की हॉकी, फुटबॉल, यहाँ तक स्नोकर में हमें बहुत सारे डाउनफॉल्स देखने को मिले हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप था हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स के रिवाइवल के लिए। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और भी होनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर्स, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेजिडेंट्स और एथलीट्स ने शमूलियत की। अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम अच्छा करना चाहता है और ख़ास करके अपनी कौमी खेल जो कि हॉकी है उसको रिवाइव करना चाहता है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जिसमें आप सॉल्यूशंस देते हैं, प्रॉब्लम्स को हल करने की स्ट्रक्चर देते हैं। हमारे कौमी खेल का तो ये हाल हो गया है कि मैच तो दूर की बात है जीतने की, हम गोल भी बड़े मुश्किल से कर पाते हैं। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हों और उन पर अमल किया जाए। सबसे बड़ी बात होती है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब तक अच्छे बंदे, जब तक एक्सपीरियंस्ड बंदे स्पोर्ट्स में नहीं आएंगे, स्पोर्ट्स फेडरेशन में नहीं आएंगे, तब तक हमारी स्पोर्ट्स बेहतर नहीं हो सकती। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जानिब से एक बेहतरीन स्टेप लिया गया स्पोर्ट्स के लिए। हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स और आगे बढ़े। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो को। पाकिस्तान जिंदाबाद।